हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स मैडनेस। माय नेम इज नकुल शर्मा एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर। एंड टुडे वी विल डू टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। तो देखो, हमें तो सर्कल गिवन है जिनकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक सर्कल जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो देखो, हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस बी एक्स, कि वो जो सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर है उसकी रेडियस कितनी है, एक्स है। देयरफॉर अब देखो, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, इसकी रेडियस कितनी है, एक्स। अब इस बड़े सर्कल की रेडियस, अब इस बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के इक्वल है, तो 2π इंटू 19 प्लस 2π इंटू 9। अब देखो, 2π इंटू एक्स और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2π, तो ये बचा 19 प्लस 9, 2π से 2π कैंसिल एंड एक्स इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो अगर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। अब पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी थी जिसकी सर्कमफ्रेंस बाकी के दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो, और इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा सर्कल फाइंड करना है, मतलब ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिस सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल हो। तो देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द रेडियस एक्स, तो जो वो सर्कल है उसकी रेडियस है एक्स, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब उस सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल। तो पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू सिक्स का स्क्वायर, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल हो गया, यहां से हम लेंगे दोनों में पाई कॉमन, 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 100 जो कि इक्वल होता है प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब देखो, एक्स क्या थी, रेडियस, तो रेडियस आई 10 सेंटीमीटर या फिर रेडियस इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या कभी किसी सर्कल की रेडियस नेगेटिव की हो सकती है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे और आंसर आएगा रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। तो देखो, व्हील की डायमीटर हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी कि 40 सेंटीमीटर, डन। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो देखो,
अगर वो जब कोई भी व्हील एक बार रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब जब एक व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो एक रेवोल्यूशन में वो डिस्टेंस अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर कंप्लीट करता है। तो डिस्टेंस कंप्लीट इन वन रेवोल्यूशन कितना होता है, वो होता है सर्कमफ्रेंस के इक्वल 2πr। तो 2 × π की वैल्यू हम पाई ही यूज करते हैं और r कितना है 40, तो ये हो गया 80π और ये आई सेंटीमीटर में। ठीक है कि जब व्हील एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो होगा स्पीड इंटू टाइम, कि वो कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा वो इक्वल होगा कि उसकी स्पीड कितनी है और वो कितनी देर के लिए चला। तो देखो उसकी स्पीड है 66, अब ये किलोमीटर में है, यहां पे हमने सेंटीमीटर में फाइंड करी है, तो हम किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 22 × 1000 मीटर और सेंटीमीटर के लिए अगेन 100 डिवाइडेड बाय, ये आवर्स में है और ये मिनट में है, तो हम आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में, मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज 10। तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आया 11, इतना डिस्टेंस, इतना सेंटीमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा और एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें बताना है वो टोटल कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे कि इसका जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम डिवाइड कर दें उसका एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस से। समझ आया, सबसे पहले तो हमने फाइंड करा कि वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा, तो वो था इतना। ठीक है, और उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है इतना, तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। अब पाई को क्या लिख सकते हैं, हम 80 × π को लिख सकते हैं 22 × 7 डन। तो अब देखो 2 और ये हुआ 1 लाख, और अब कैंसिल करेंगे इसे हम, 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 और ये हुआ 5, तो ये आया 35000 बाय 8। तो अब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 यहाँ पे 3, तो ये हुआ 3, 6, 7 और ये आया 4 और 5, यानी कि टोटल रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो 4375 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पेरीमीटर है और जो एरिया है एक सर्कल का इक्वल है। अब हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है, 2πr इक्वल है एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आई 2 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 2 होगी। एक सर्कल जिसकी रेडियस 2 है तो उसका एरिया और उसका पेरीमीटर इक्वल होगा, डन। अब ये सेंटीमीटर की जगह मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हूज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का। अब क्वाड्रेंट क्या होता है कि देखो अगर ये एक सर्कल है और इसका ये हम एक पार्ट ले लें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये पार्ट क्या कहलाता था, ये पार्ट कहलाता था सेक्टर। और अगर यहां पे इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेंट, मतलब
ये एक 1/4 पार्ट होता है सर्कल का। डन। तो देखो एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, वो इक्वल है 22 के। तो 2 × 22/7 × r इक्वल हो गया 22 के। तो 22 से 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो उस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया किसके इक्वल होगा क्वाड, ये इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 × θ के। बस अब क्या करना है हमें वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7 × r² यानी कि 7/2 × 7/2 × θ की वैल्यू क्वाड्रेंट में होती है 90° / 360°। तो देखो अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल 4 और ये हुआ 11, तो ये हुआ 77/8 cm². तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया कितना है 77 अपॉन 8 cm². नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 cm, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट। तो देखो अगर हम ये माने कि ये एक वॉच है, डन, और ये इसकी मिनट हैंड क्लॉक है, ये कितनी है 14 cm। तो इस सर्कल के लिए क्या है इसकी रेडियस, तो रेडियस आ गई 14 cm। अब देखो जब ये मिनट हैंड क्लॉक पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, जब ये मिनट हैंड क्लॉक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है तो एंगल कितना कवर करती है ये 360 डिग्री, क्योंकि ये यहां से ऐसे स्वेप्ट करके इस पोजीशन पे वापस आएगी तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करती है, कि मिनट हैंड क्लॉक अभी 12 से लेके जब वापस घूम के 12 पे आएगी तो कितना एंगल स्वेप्ट हो चुका होगा 360 डिग्री। तो एक मिनट में वो कितना एंगल स्वेप्ट करेगी 360 अपॉन 60, और हमें फाइंड करना है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए वो कितना एंगल स्वेप्ट करेगी, तो 360 अपॉन 60 × 5, और ये आया 30 डिग्री। डन, कि 30 डिग्री 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया, कि अगर ये एक मिनट हैंड क्लॉक है ऐसे 5 मिनट में फाइंड करना था, तो एंगल कितना स्वेप्ट करेगी 30 डिग्री, रेडियस हमें गिवन है 14 और हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 × radius 14 × 14 × θ कितना है 30° / 360°। तो 0 से 0 कैंसिल 3 12 7 2 और ये गया 6 पे और ये गया 3 और ये 7 पे, तो ये आया 154 अपॉन 3 cm². तो ये एरिया आया जो मिनट हैंड क्लॉक स्वेप्ट करेगी 5 मिनट में। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड करा कि 5 मिनट में वो एंगल कितना स्वेप्ट करेगी। तो हमने देखा 60 मिनट में अगर वो 360 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करती है तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगी। फिर हमें एंगल मिल गया, रेडियस मिल गई, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर लिया। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर की, एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, तो थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो क्वेश्चन में है कि एक सर्कल में रेडियस है 21 सेंटीमीटर की,
और यहाँ पर एक आर्क बनी जो है 60 डिग्री की, डन। और ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर की। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है 2πr θ/360 degree। तो देखो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 और थीटा की वैल्यू 60 degree/360 degree। 0 से 0 कैंसिल और 6 3, तो ये आया 44/21। सॉरी ये गलत हुआ, हमें करना था 2 × 22 × 21 है, यहाँ पे मेरे को लगा ये 2 है, × 60/7 × 360। तो 7 3 जा और हम इसे कैंसिल करेंगे 6, और यहाँ पे आएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगी 22 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ हुई आर्क की वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि इस आर्क ने ये जो एरिया बना दिया इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, πr²θ/360 degree। तो एरिया आएगा, वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 22/7 × r21 × 21 × थीटा कितना है 60 degree/360 degree। तो 60 यहाँ पे आया 6 3, और ये हुआ 2 और ये हुआ 11, तो ये आया 21 × 11, जो कि सोल्व हो के आएगा 231 cm². डन। अब थर्ड पार्ट हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड, कि इस सर्कल में कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये सेंटर है, तो ये जो कोड बनेगी ए बी, तो इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, डन। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि इस पूरे सेक्टर में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है 231 cm² है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये 60 डिग्री, ये 21 और ये भी 21 रेडियस। अब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों कितने होंगे 60 और ये भी 60। तो ये क्या बना, ये बना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 × साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो ये आया 441√3/4। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आया, एरिया ऑफ सेक्टर जो था 231 cm² माइनस 441√3/4, तो ये आया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने फाइंड करा लेंथ ऑफ आर्क, कि ये आर्क की लेंथ कितनी होगी। फिर हमने इस सेक्टर को फाइंड करा कि सेक्टर का एरिया कितना होगा। फिर हमने फाइंड करा कि ये कॉर्ड जो सेगमेंट बनाएगी उसका एरिया कितना होगा, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर रोप, फाइंड द एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखो ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 15 मीटर की है। अब हमने इसके एक कोने पे एक पेग से एक हॉर्स को बांध दिया। अब देखो मैं ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है कि मैं हॉर्स बना पाता, तो यहाँ पे हम हॉर्स को डिनोट कर रहे हैं एच से,
ठीक है। तो ये क्या हो गई, रोप, जिस रोप से हमने हॉर्स को बांधा है, और उस रोप की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। हमें बताना है एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेस, कि कितना एरिया हॉर्स खा पाएगा। अब देखो हॉर्स की जो रोप है वो यहीं तक है, तो यहाँ पे तो हॉर्स जा नहीं पाएगा, वो इतना एरिया ही ग्रेस कर पाएगा जो इस सेक्टर के अंदर आएगा। डन। तो ये एक सर्कल का पार्ट बन गया, और स्क्वायर के कॉर्नर पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 5 × 5, 360 × थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, कि हॉर्स इतना एरिया ग्रेस कर सकता है, और वो एरिया है इतना। डन। सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर, कि जिस रोप से हॉर्स को बांधा हुआ है अगर वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर की होती तो एरिया कितना ज़्यादा होता, कि अगर ये रोप 5 की जगह 10 की होती तो एरिया ज़्यादा होता। तो अब इन्होंने हमसे यही पूछा है कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया आया है, ये वाला एरिया, ये कितना होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे फाइंड करेंगे कि एक बार तो एरिया निकालेंगे हम रेडियस को 10 लेके, कि ये वाला एरिया, कि ये कंप्लीट एरिया, पूरा एरिया ये वाला, ठीक है। इसमें से अगर हम ये छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, कि अगर हम इस पूरे एरिए में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा। तो देखो पाई बड़े वाले के एरिए के लिए रेडियस कितनी हो गई, 10 × 10 × थीटा 90/360, और माइनस कर देंगे हम इसमें से पाई, 5 × 5 × 90/360 डिग्री। तो एरिया आएगा, अब यहां से हम लेंगे कॉमन पाई इंटू 5 × 5 × 90/360, तो यहां पे बचा 2 × 2 − 1। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 19.625 × 4 − 1 = 3। तो जो एरिया आया वो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन था एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें पहले हमें फाइंड करना था एरिया, अगर रोप की लेंथ थी 5 मीटर तो एरिया ये छोटा वाला एरिया होगा, और बाद में हमसे पूछा गया कि अगर रोप 10 मीटर की होती तो कितना ज़्यादा एरिया वो ग्रेस कर पाता। तो हमने कहा अगर वो 10 मीटर की होती उसकी रोप तो वो इस बड़े वाले एरिए को ग्रेस करता, इस वाले पूरे कंप्लीट एरिए को, लेकिन 5 की वजह से कितने को ग्रेस कर पा रहा है, वो इतने को बस, तो इस एक्स्ट्रा एरिया को वो ग्रेस कर पाता, वो था 58.875 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कल, कि हमने एक सर्कुलर फॉर्म में एक ब्रोच बनाया विद द हेल्प ऑफ सिल्वर वायर ऑफ डायामीटर 35 मिलीमीटर। तो देखो अगर डायामीटर है 35 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायामीटर का हाफ, तो ये हो गई रेडियस। वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायामीटर्स विच आर डिवाइडेड द सर्कल इन 10 सेक्टर्स, कि सबसे पहले तो हमने वायर से ये एक सर्कल बना लिया। डन। उसके बाद वायर से ना डायामीटर्स बनाई इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर हमने सर्कल के अंदर क्या बनाई, 5 डायामीटर्स बनाई। तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो सिल्वर वायर हमने कहाँ कहाँ यूज़ करी। सबसे पहले तो हमने सर्कल बनाया सिल्वर वायर से, सर्कल बनाने के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, 2πr। फिर उससे हमने डायामीटर बनाई 5, तो
तो देखो टोटल लेंथ, तो सबसे पहले सिल्वर वायर यूज हुई सर्कल बनाने के लिए, और सर्कल बनाने के लिए लेंथ कितनी यूज होगी, 2 पाई आर प्लस। उसके बाद हमने 5 डायमीटर्स बनाई, तो 5 और एक डायमीटर है 35 mm की, डन। तो 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर, आर कितना है 35 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 35, तो 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया 110 प्लस 175, तो ये आया 285 मीटर कि इतनी लेंथ हमने सिल्वर वायर की यूज करी। सबसे पहले तो हमने उससे क्या बनाया, सर्कल बनाया, तो उसके लिए लेंथ यूज हुई 2 पाई आर, और फिर हमने 5 डायमीटर्स डाली तो उसके लिए लेंथ हुई 175 यूज, तो टोटल लेंथ हो गई 285 मीटर। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो अगर हमें एक सेक्टर का, मान लो हम ये वाला सेक्टर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड करना है तो हमें थीटा पता होना चाहिए, डन। तो देखो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये डायमीटर उसको 10 सेक्टर में डिवाइड कर रही हैं, तो एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एक सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 10, तो 36 डिग्री का एक सेक्टर बना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर पाई जो है 22 अपॉन 7 आर का स्क्वायर, आर है 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 36 इंटू 360 डिग्री। तो देखो 360 ये गया 10 पे और ये 5 पे, और ये 5 टू जा और 2 11, तो ये आया 385 अपॉन 4 जो इक्वल होगा, तो हम इसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये भी मिलीमीटर में, डन। आया समझ क्वेश्चन हमने कैसे करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। तो देखो हमें गिवन है, हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, पी है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पुट्टी नहीं करनी हमें, तो ऑप्शन चेक करने हैं, तो पाई रेडियस की वैल्यू आर का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पी अपॉन 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, कोई ऑप्शन मैच, तो देखो इसमें क्या है, पी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन में क्या आया है, आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बी ऑप्शन से मैच करो, बी ऑप्शन में क्या है, पी पाई आर स्क्वायर अपॉन 180 है, लेकिन आंसर में होना चाहिए 360, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, और यहाँ पे क्या है पी। अब देखो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, पी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 ही तो आएगा, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ पहला पार्ट फिनिश होता है टॉप 20 न्यूमेरिकल्स का, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।